तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो जो जो लोग पहले से जान रहे हैं कि कहाँ का मेरा ट्रिप प्लान हुआ था, उसमें कुछ चेंजिंग आ गया है, उसका टिकट कैंसिल करवाना पड़ रहा है। इधर टिकट रखा हुआ है, देखिए टिकट भी पूरा कंफर्म था, उसको कैंसिल कराना पड़ रहा है, फिर से नया टिकट करवाना है। और प्लान में भी बहुत सारा चेंजिंग है, इसलिए जो जो लोग को पहले से पता होगा ये मत समझिएगा कि वही प्लान है, उसमें बहुत सारा चेंजिंग है जो आप आगे देखने को मिलेगा। स्टेशन जा रहे हैं, टिकट को कैंसिल कराएंगे, फिर से नया टिकट कराएंगे, और जब जाना है वो डेट बहुत ही नज़दीक है, तो पता नहीं न्यू टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई साहब अभी जो भीड़ हो रहा है ना स्टेशन पे, इस छठ पूजा को लेके सारे लोग जो वापस जा रहे हैं, पूछिए मत। जो जो लोग अभी स्टेशन से आ जा रहे होंगे, वो लोग देख रहे होंगे किस कदर का भीड़ है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, चलिए देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं, कैसा भीड़ रहता है वहाँ पर, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी टाइम 11:30 हो रहा है, जान के लेट कर दिए, क्योंकि 11 बजे तो तत्काल का काउंटर खुलता है, उस समय तो भाई साहब इतना मार पड़ता है ना वहाँ पे। तो खैर ये सब बात को साइड में रखते हैं, अपना इस टिकट को कैंसिल कराते हैं, नया टिकट लेते हैं, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिएगा। आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं। अभी जैसा मौसम हो गया, देख के लगता है कि हाँ ठंड का दिन आ गया है। चल रहे हैं, गोप्रो तो है नहीं जो स्टेबिलिटी होगा, इसलिए वीडियो थोड़ा वाइब्रेट हो रहा होगा। और एक ये टकाटक ले लिए, आराम से खाते खाते चलेंगे। ऐसे मौसम में बाइक से जाने में मज़ा नहीं आता है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है, तो लग रहा है कि हाँ अब ठंड का दिन आ गया है। चलिए जल्दी से स्टेशन पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। सब चीज़ तो ठीक है, स्टेशन भी साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन ये इस जगह के कारण यहाँ पे क्रॉस करने में ऐसा गंदा बदबू होता है ना जिसका जवाब नहीं, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओए होए होए भाई साहब, भीड़ देखिए किस कितना ज़्यादा है। अभी उसमें लाइन में लगने पे नहीं भी तो नहीं 1 घंटा कम से कम लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए फॉर्म लेते हैं। क्या कर रहे हैं भैया, फॉर्म नहीं है? फॉर्म तो मिलिए ना, खड़ा को लेने दीजिए, पूछ रहा है। आप देखिए फॉर्म तो ले लिए हैं, लेकिन भरने के लिए पेन ही नहीं लेके आए हैं। फॉर्म तो है अपने पास, अब जाके पेन किसी से मांगना पड़ेगा। चलिए लेके आते हैं, देखते हैं एक बार में मिलता है कि नहीं। तो नहीं भैया, पेन दीजिएगा ना भर के। ये 21 तारीख का भर रहे हैं, मिलेगा हो? ग्रेट सक्सेस, एक बार में ही मिल गया, आप जल्दी से भरते हैं। लाइन देख के तो हिम्मत नहीं हो रहा है लगने का। बहुत लोग कह रहे होंगे कि जब लाइन है तो आया कहे ऑनलाइन काट लेता, तो भाई साहब ऑनलाइन तो काट लेंगे, लेकिन जब तक टिकट चाहिए वो दिन बहुत ही नज़दीक है, बहुत जल्द का ही चाहिए, तो ऑनलाइन वेटिंग जो होता है ना उसका अलाउ नहीं करता है बैठने का। और काउंटर पर से आप लीजिएगा, उसका वेटिंग रहेगा तो वो अलाउ कर देगा। चलिए फटाफट भरते हैं फिर जाते हैं, लगते हैं लाइन में। पहले लाइन आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा भीड़ देखिए। किसी भी लाइन में अगर लगते हैं तो कम से कम 1 घंटा लगना पड़ेगा, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है ना, कोई और दूसरा रास्ता है, लगना ही पड़ेगा। और इधर अपना फॉर्म रखा हुआ है, इस टिकट को कैंसिल कराना है तो इसका कैंसिल वाला भरते हैं, फिर एक रिजर्वेशन का उसका भी भरते हैं, सारा फॉर्म भर के फिर आपसे मिलते हैं। दोनों फॉर्म अपना दोस्तों भरा चुका है, ये कैंसिलेशन का फॉर्म है और इसके नीचे रिजर्वेशन का है। तो आइए चलिए इसको कैंसिल कराते हैं। ये रहा अपना टिकट जिसको कैंसिल कराना है, भीड़ भाई साहब बहुत ज़्यादा। चलिए जिनका पेन है उनको तो पहले पेन वापस कर देते हैं, कैंसिल करा के फिर आपसे मिलते हैं। लीजिए भैया, टिकट जहाँ का है ना पूरा होना ही, समस्तीपुर हटिया कौन ट्रेन में टिकट है वो लिख दीजिएगा। तो प्रॉब्लम होता है कि कैंसिल के लिए लोग सीधा टिकट दे देते हैं, तो हम पहले बता दें कि कैंसिल के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे भैया को प्रॉब्लम हो रहा था तो भैया को हम बता दिए, भैया का फॉर्म भर के हमको दे देते हैं। भाई साहब 1 घंटे की भीड़ के बाद, 1 घंटा लाइन में खड़ा रहने के बाद टिकट अपना हो गया है, जिसमें से 1 टिकट कैंसिल वाला है और 2 रिजर्वेशन का है। और भगवान की कृपा से दोनों टिकट कन्फर्म मिल गया, सीट मिल गया। कहाँ का टिकट है, कहाँ का प्लान है, वो तो आपको अभी नहीं पता चलेगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियो आने वाला है।
और अभी दोस्तों दोपहर के 1 बज रहे हैं, खड़े खड़े हालत ख़राब हो गया, लंच का टाइम हो रहा है, चलिए बाहर चलते हैं कुछ खाते हैं। इधर लगभग आते थे तो एक दिल्ली दरबार करके बिरयानी का शॉप यहाँ पे खुला है, तो आज चलिए वहाँ बिरयानी ट्राई करके देखते हैं कैसा है, क्योंकि स्टेशन के बाहर बिरयानी और कोई भी चीज़ रहता है उसका कैसा टेस्ट और कैसा एक्सपेक्टेशन रहता है वो आपको पता ही होगा। खैर चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है, आपको बताते हैं कि आप लोग भी कभी आएँ तो खा सकते हैं यहाँ पर कि नहीं खा सकते हैं। आइए चलिए, तो ये अपना हाफ प्लेट बिरयानी है 50 रुपये का, क्वान्टिटी थोड़ा कम ही लग रहा है लेकिन चलिए सही है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, ऊपर से प्याज डाला हुआ है और एक रेड कलर का चटनी डाला था और चाट मसाला भी है ऊपर से, तो आइए ट्राई करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। और नॉर्मल का ये उतना भी कुछ खास लग नहीं रहा है, लेकिन स्टेशन के सामने जैसा मिलता है उसके मुकाबले में सही है कि नहीं, आइए चलिए ट्राई करके देखते हैं। एकदम गीला गीला सा लग रहा है, जूसी लग रहा है देखने से, प्याज के साथ एक अच्छा सा बाइट तैयार करते हैं। टेस्ट तो दोस्तों सही है और चावल का क्वालिटी भी सही है, बिरयानी के अंदर से एक जूसी जूसी सा टेस्ट आ रहा है और चावल के अंदर से दम का फ्लेवर आ रहा है। स्टेशन के आगे पीछे सामने में जैसा खाना मिलता है उसके मुकाबले में सही टेस्ट है इसका, तो बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे बहुत ख़राब भी नहीं, मिड रेंज का सही टेस्ट है। हाफ प्लेट में 2 पीस है, 50 रुपये का प्लेट है, पीस भी छूने से लग रहा है कि हाँ परफेक्टली तो कुक है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। पीस के अंदर दोस्तों फ्लेवर का थोड़ा सा कमी है, पीस सॉफ्ट है अच्छे से, बस यही है कि मैरिनेशन पीस के अंदर थोड़ा कम है इसलिए फ्लेवर थोड़ा कम आ रहा है, बाकी चावल का क्वालिटी सही है, बिरयानी का टेस्ट सही है, पीस भी परफेक्टली कुक है, बस पीस के अंदर टेस्ट थोड़ा कम, इन शॉर्ट स्टेशन के सामने जैसा खाना मिलता है उसके मुकाबले सही है। चलिए हम लोग अपना बिरयानी फिनिश करके फिर आप सुना, हाँ जी तो बिरयानी खा के निकल गए, टिकट भी हो गया, सारा काम सही से हो गया और बिरयानी का टेस्ट अगर कह ले तो उतना भी कुछ खास नहीं था, हाँ नॉर्मल ठीक ठाक सा था, पीस के अंदर भी कोई फ्लेवर नहीं था, बस पका हुआ था अच्छे से। तो चलिए वीडियो में तो कुछ ज़्यादा था नहीं, फिर भी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बिरयानी अभी तक सबसे अच्छा 9 to 11 का भी था और एक ताजपुर में जो खाए थे भाई साहब वहाँ का तो लाजवाब था, वहाँ का वीडियो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। ट्रिप का टिकट तो कंफर्म हो गया, आप इसके लिए कुछ शॉपिंग भी करना है उसका भी ब्लॉग आप लोगों के लिए लाएंगे, क्या क्या लेते हैं इस ट्रिप के लिए, और पूरा ठंड के दिनों में होने वाला है, अभी आने वाला ठंड का मौसम जो है, और जगह भी ऐसा नहीं, जगह नहीं बोलेंगे तो। खैर चलिए वीडियो को एंड करते हैं, पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, मिलेंगे आपसे फिर से किसी और ऐसे ही नए से वीडियो में।